जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने भारतीय रेलवे को अनाउंसमेंट करते सुना होगा कि हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे ने भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस के असर को देखते हुए अपनी रेल सेवाओं को रद्द कर दिया था। लेकिन आपकी सफल और सुखद जिंदगी के लिए अब भारतीय रेलवे ने और कई फैसले लिए हैं, जिसमें से अब भारतीय रेलवे N95 मास्क और सैनिटाइजर्स के प्रोडक्शन में भी आ चुकी है। भारतीय रेलवे ने निर्णय लिया है कि गुड्स कैरिज एंड वैगन्स डिपार्टमेंट फिरोजपुर में अब केमिकल एंड मेटलर्जिकल यूनिट में बनाए जाएंगे हैंड सैनिटाइजर्स, जिनकी कीमत लगभग 310 रुपये लीटर रखी जाएगी, यानी 310 रुपीस पर लीटर, और इसमें ब्रांडिंग भी इंडियन रेलवेज की ही होगी। भारत में लगभग 40,000 वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन देश को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और भी वेंटिलेटर्स की और ICU की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में रेलवेज ने एक और निर्णय ये भी लिया है कि अब वो ट्रेन करेगा अपने मेडिकल स्टाफ को कि वो लोग भी वेंटिलेटर्स वगैरह की यूज के साथ कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए सक्षम हों। और अब रेलवेज की यूनिट्स वेंटिलेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी लग चुकी है। रेलवे ने ये कहा है कि जो मास्क वो बनाएंगे वो N95 जितने सक्षम तो नहीं, लेकिन बेसिक प्रोटेक्शन के लिए जरूर कारगर साबित होंगे। तो दोस्तों, ऐसे में भारतीय रेलवे का ये निर्णय हमें एक और बार मौका देता है कि हम भारतीय रेलवे पे गर्व कर सकें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलूंगा आप लोगों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ट्रेन जर्नीज के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।